पोहा बनाने के लिए मैंने वही चीज़ें यूज़ की है जो अक्सर हम पाव भाजी बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, साथ ही एक बड़ी शिमला मिर्च ली है। इन्हें मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। दो मैंने लिए हैं टमाटर, इन्हें भी इसी तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज के आलू, जिन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है। 8 से 10 मैंने ली है लहसुन की कलियाँ। 2 चम्मच हम लेंगे बटर, 1 नींबू का रस लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी ली है। 1/2 चम्मच ही मैंने लिया है गरम मसाला और 2 चम्मच लिया है पाव भाजी मसाला। नमक हम हमारे स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। तो आइए बना लेते हैं पाव भाजी पोहा। आइए हम पाव भाजी पोहा बना लेते हैं। पाव भाजी पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हमारे प्याज। प्याज को थोड़ा सा चलाएंगे, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हमारी शिमला मिर्च। हमें यहाँ पर सब्जियों को एकदम से गलाना नहीं है क्योंकि हम पोहा बना रहे हैं। और हम इसमें डालेंगे हमारे टमाटर। टमाटर को भी इसी तरह से थोड़ा सा चलाएंगे और ऐड करेंगे इसमें हमारा बटर, जो हमने बटर लिया था 2 बड़े चम्मच, उसे इस समय पर हम इसमें ऐड करेंगे। बटर को हमें यहाँ पर वघार में नहीं डालना है, इस तरह से हम अलग से बटर डालते हैं हमारे पाव भाजी पोहा में, तो पोहे में अच्छा सा बटरी टेस्ट आता है और पाव भाजी वाली फीलिंग भी हमें आती है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे सभी सूखे मसाले। ये है हल्दी और लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, पाव भाजी मसाला, ये है मेरा लहसुन का पेस्ट। इन्हें अच्छे से हम एक बार चला लेते हैं। यहाँ पर हम सब्जियों को मसाले के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं मीडियम गैस पर इस तरह से सब्जियों को कुक करते हुए। हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे आलू, जिन्हें मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही इसमें डाल देते हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, क्योंकि पोहा धोने के बाद मैंने पोहे में भी थोड़ा नमक मिक्स कर दिया था, इसलिए अब हम जो वेजिटेबल्स हैं उनके इक्वल ही नमक इसमें डालेंगे। कभी कभी हमें पाव भाजी खाने का तो मन होता है लेकिन पाव खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ऐसे में जब आप इस तरह का पाव भाजी पोहा बनाएंगे तो आपके पाव भाजी खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और एक लाइट नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बस आलू और हमारी वेजिटेबल्स में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 10 मिनट पहले इस तरह से पोहे को धो लिया था। हमारे पोहे बढ़िया से खुले खुले हो गए हैं और इनमें मैंने नमक भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। आइए हमारी वेजिटेबल्स में हम मिक्स कर देते हैं हमारे पोहे। बस बढ़िया सा हम पोहे को मिक्स करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सभी वेजिटेबल्स हमारे पोहे में अच्छे से मिक्स हो गई है। आइए अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं लेमन जूस। लेमन जूस को भी पोहे में अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके थोड़ा सा स्टीम होने देंगे। ये लीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए हमें पोहे को एकदम स्लो गैस पर अच्छे से स्टीम होने के लिए रख दिया था। हमारे पोहे यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत टेस्टी पोहे इस तरह से बनते हैं, खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं और जब हमें हल्की फुल्की भूख लगी हो तब इस तरह का नाश्ता बनाकर खाया जा सकता है। फाइनली हम पोहे में डाल देते हैं हरा धनिया, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अच्छे से हरे धनिया को मिक्स करेंगे और हमारा पोहा यहाँ पर बनकर तैयार है। ये देखिए, गर्मा गर्म पाव भाजी पोहे बनकर तैयार हैं। बहुत टेस्टी पोहे बने हैं और पाव भाजी की खुशबू पूरे किचन में बहुत अच्छे से आ रही है। इसे मैंने सर्व किया है इस तरह से नींबू के साथ। साथ ही इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हमारी रतलामी सेव। बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी लगता है इस तरह सेव के साथ पोहा। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस तरह के पोहे अपने यहाँ एक बार ज़रूर से बनाएं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।